रामलीला मैदान इंडियार संसद ध्वनि आठाईसा दलर नेतृत्व उपस्थित शक्ति प्रदर्शन दिल्लीर आकाशे बताहे लोकतंत्र बचाओ ध्वनि मेच फिक्सिंगेरे निर्वाचन जिकिब नेकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राम रावणर उदाहरणेरे कोने समालोचना करिले बिजेपिक मुम्बई शिवाजी पार्कर पाछत एबार नतुन दिल्लीर रामलीला मैदान विरोधी मित्रजोट इंडियाय देवबारे रामलीला मैदानरे पराय बजाले लोकसभा निर्वाचनर संसद ध्वनि आठाईसा विरोधी दलरे गठित इंडिया मित्रजोटे रामलीला मैदानत अनुष्ठित करिले लोकतंत्र बचाओ शीर्षक बृहत् समावेश এই সমাবেশৰ পৰাই সকলোৱে বিজেপিক শাসনৰ পৰা উৎখাত কৰি গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান বচোৱাৰ বাবে আহ্বান জনালে এই সমাবেশত অংকলৈ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে বিজেপি তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক খুৰধাৰ সমালোচনা কৰে ৰাহুল গান্ধীৰ গুৰুতৰ অভিযোগ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মেচ ফিক্সিং কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আমাৰ সামনে লোকসভাৰ চুনাও হে আম্পায়াৰ কিসনে চুনে नरेंद्र मोदी ने हमारे टीम में से मैच शुरू होने से पहले दो खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया तो भाइयों और बहनों ये जो चुनाव हो रहा है नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ये जो उनका 400 सीट का नारा है ये बिना ईवीएम के बिना मैच फिक्सिंग के बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीद कर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है सब मिलाकर आनते मैच फिक्सिंग और निर्वाचन बीजेपी जदि जयी है तेंते संविधान सलनी करिबो आशंका प्रकाश करे राहुल गांधी तेतिया देश जुई जलिबो मंतव्य करि राहुल गांधी एक कथा सकलुके मनत राखिबो आह्वान जनाय और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है जो मैंने कहा याद रखो कांग्रेस और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुटर मुरब्बी उद्धव ठाकरे एनसीपी शरद चंद्र पवार गुटर मुरब्बी शरद चंद्र पवार समाजवादी पार्टीर मुरब्बी तथा उत्तर प्रदेशर प्राक्तन मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव जम्मू काश्मीर प्राक्तन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला मेहबूबा मुफ्ती झारखंडर मुख्यमंत्री चम्पाई सुरेन आदिर उपस्थित एक समावेश कांग्रेसर राष्ट्रीय साधारण सम्पादक प्रियंका गांधी निजर भाषण रामायणर राम और रावणर उदाहरण दी बीजेपी चोका समालोचना करे राम जब सत्य के लिए लड़े उनके पास सत्ता नहीं थी भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े उनके पास संसाधन नहीं थे उनके पास तो रथ भी नहीं था रथ रावण के पास था संसाधन रावण के पास थे सेना रावण के पास थी सोना रावण के पास थी वो तो सोने की लंका में रहता था भगवान राम के पास सत्य था आशा थी आस्था थी प्रेम था परोपकार था विनय था धीरज था साहस था और भगवान राम के पास सत्य था इपिने एक समावेश अंकलय दिल्ली खुरानीति केलेंकारीत ग्रेप्तार हुई बर्तमान इडिर जिम्मा थका अरविंद केजरीवाल पत्नी सुनीता केजरीवाले निजर भाषण सुनीता केजरीवाले निजर स्वामीर प्रसंग उल्लेख करार उपरी देशवासीक दिए छटा गारंटी वो अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी होना चाहिए चौथा हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे मंजूर है पांचवीं किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे मंजूर है छठी दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है
देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगू है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। केबा हजार लोक समवेत हुआ एक गणतंत्र बचाओ बृहत समावेश झारखंडर प्राक्तन मुख्यमंत्री तथा बर्तमान कारारुद्ध हो हेमंत सोरेनर पत्नी कल्पना सोरेन, बिहारर प्राक्तन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सीपीआईर साधारण सम्पादक डी राजा, पंजाबर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, सर्वभारतीय तृणमूल कंग्रेसर सांसद जय, डेरेक ओब्रेन, सागरिका घोष, सीपीआईएमर सीताराम येचुरी, सीपीआई एमएलर दीपांकर भट्टाचार्यके धरी आम आदमी पार्टीर भालेसंख्यक शीर्ष নেতাই অংশ লয়। সমাবেশত সকলো নেতাই দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কাৰ্যকো কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।